निशा, चिंता मत कर तू, उन लोगों को सजा मिलकर ही रहेगी। तू अभी उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा। मैडम जी, छोटे बच्चे हैं, इनके पापा भी घर पर नहीं है, मैं अकेले थाने नहीं जा पाऊंगी, और इन सब के बाद मुझे तो घर से अकेले निकलना भी भारी होगा। तुझे अभी थाने जाने के लिए कौन बोल रहा है? नए कानून के तहत तू घर बैठे भी EFIR के माध्यम से अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, और तब तक तेरा हस्बैंड तो आ जाएगा। चलिए आना, चल अपना फोन निकाल, मैं तुझे बताती हूँ कैसे रिपोर्ट करते हैं। फिर भी मैडम जी, बयान देने, तरह तरह के जवाब देने तो थाने जाना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, नए कानून के तहत अब हम अपना बयान ऑडियो वीडियो माध्यमों से भी दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल भारत के महत्व को आगे बढ़ाते आधुनिक भारत के अपने कानून के तहत यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान के लिए ऑडियो वीडियो माध्यम का उपयोग शुरू किया जाएगा, और साथ ही इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति की सुविधा प्रदान करेगा। प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में अदालत में मान्य है। नए कानून का यह है वादा, त्वरित न्याय में नहीं कोई बाधा।